नरवाल के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में दो धमाके आज सुबह हुए हैं और इन दो धमाकों में छह लोग जख्मी हुए हैं। ये ट्रांसपोर्ट नगर का इलाका है और मुकम्मल तौर पर पुलिस ने इस इलाके को घेर रखा है। एडीजीपी मुकेश सिंह, डीआईजी जम्मू कठुआ सांबा रेंज शक्ति पाठक और उसके साथ में एसएसपी जम्मू चंदन कोहली, तीनों इस समय स्पॉट पर हैं और इस पूरे एरिया को सैनिटाइज कर दिया गया है, इस पूरे एरिया को बंद कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट नगर के जो अलग अलग यार्ड हैं, ये यार्ड नंबर 7, उस यार्ड नंबर 7 का पूरा एरिया जो है वो खाली करा दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यार्ड नंबर 7 के साथ में यार्ड नंबर 6 बाकी तमाम यार्ड्स को भी मुकम्मल तौर पर खाली करवाया गया है। ब्लास्ट क्या आईडी था, क्या ग्रेनेड था, इसको लेकर पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। सिर्फ इतना कहा गया कि दो ब्लास्ट हुए हैं और इन दो ब्लास्टों में चार लोग जो जख्मी हुए उन्हें यहां से उठाकर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और दो लोगों को वो ऊपर वाला एरिया जहां पर आपको सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे होंगे, इस एरिया को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, सैनिटाइज कर, वो आप देख सकते हैं एडीजीपी मुकेश सिंह वो आपको दिखाई देंगे, एसएसपी जम्मू चंदन कोहली और उसके साथ में डीआईजी शक्ति पाठक, तीनों लोग वहां पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं सेना की टुकड़ियां भी वहां पर पहुंच चुकी हैं और इस पूरे एरिया को आम लोगों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और यहां पर जो काम करने वाले कर्मी थे उनको भी यहां से बाहर निकाल दिया गया है। ट्रांसपोर्ट नगर में मैकेनिक जो भी थे उन्हें यहां से बाहर निकाल दिया गया है और मुकम्मल तौर पर लोगों को कहा गया है कि वो इस एरिया में ना आए जब तक इस एरिया को मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज नहीं किया जाता। ये आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी यहां पर खड़े हैं, अगर आप यहां से ऊपर जाना चाहें तो ऊपर आपको जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि इस एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है और पुलिस इस समय इस काम में लगी हुई है कि दो धमाके हुए हैं और कहीं किसी जगह कुछ और किसी ने रख ना दिया हो, कोई और धमाका ना हो। ये आप देख सकते हैं सेना भी यहाँ पर आ गई है, सेना की एक टुकड़ी भी यहाँ पर आ गई है और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल तैयारी में ये लोग यहाँ पहुँच गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो लोग यहाँ पर हैं पुलिसकर्मी इनको कह रहे हैं कि फौरन खाली कीजिए और पत्रकारों को भी यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि इस एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है, इस एरिया में तलाशी अभियान चल रहा है, देखा जा रहा है कि कोई और जगह तो नहीं है और दूसरा ये भी है कि स्क्रैप से सभी लोगों को दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं ये लोग हैं जो यहाँ पर इस ट्रक यार्ड नंबर 7 में काम करने वाले लोग हैं, वो आप देख सकते हैं अभी भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं ट्रक यार्ड में और जिन्हें निकाला जा रहा है, फौरन इस ट्रक यार्ड को खाली करने के लिए कहा जा रहा है। यार्ड नंबर 7, शॉप नंबर 44 और आप देख सकते हैं ऊपर वाली साइड से भी पत्रकारों का जमावड़ा, वो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली साइड से भी और फौज अभी भी कह रही है कि लोग यहाँ पर ना रहें, लोग इस एरिया से फौरन दूर चले जाएं, इस एरिया के आसपास भी लोग ना रहें। तो ये सुबह धमाका हुआ है, इस धमाके के चलते आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था इस पूरे इलाके की कड़ी कर दी गई है और पुलिसकर्मी इस पूरे एरिया में हैं। सुबह ये दो धमाके हुए, हालांकि अभी तक इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि किस समय ये धमाके हुए थे, क्या टाइम था उस वक्त, ये सब चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता जैसे स्टोरी डेवलप होगी आप तक पहुँचाएंगे तो आपको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कि इस समय जो है स्पॉट पर एडीजीपी मुकेश सिंह मौजूद है, वो आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि एडीजीपी मुकेश सिंह वहाँ स्पॉट पर मौजूद है और यही दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि पत्रकारों को कहिए कि नीचे चले जाएं, यहाँ ऊपर वाले एरिया में ना आएं। वो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मौके पर जो है तमाम लोग मौजूद हैं और सभी लोगों से कहा जा रहा है कि यहाँ पर ना रहें, यहाँ से स्पॉट से दूर चले जाएँ क्योंकि अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, इस एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है, इस एरिया को खाली किया जा रहा है क्योंकि अभी भी सुरक्षा के चलते जब तक इस पूरे एरिया को सैनिटाइज करके तलाशी अभियान करके इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं होती पुलिस को कि यहाँ पर अब कोई ऐसी चीज़ किसी भी जगह नहीं है जिससे और कोई हादसा यहाँ पर हो, तब तक जो है लोगों को स्पॉट से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर पुलिस के लोग मौजूद हैं, आर्मी की टुकड़ी भी यहाँ पर मौजूद है और तलाशी अभियान चल रहा है और देखा जा रहा है कि कौन सा स्पॉट था, किस स्पॉट पर ये हो। तो दो धमाके हुए हैं, छह लोग जो हैं इन दो धमाकों में जख्मी हुए। इससे पहले आपको पता होगा एक एनकाउंटर हुआ था सिद्रा में, जिस एनकाउंटर में चार आतंकी मारे गए थे। उसके अलावा ये भी आपको याद होगा कि कई बहुत लगभग आज से एक डेढ़ साल पहले एक बस स्टैंड में एक ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद उसमें जब पुलिस ने पड़ताल की, पड़ताल करने के बाद उसमें उस पड़ताल के बाद जो है उसमें उसके तार जो है लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के साथ जुड़ते हुए मिले। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, कोशिश करेंगे कि हम लोगों से भी यहाँ पर बात करें और उनसे जानें कि जिस समय ये धमाका हुआ वो लोग कहाँ पर थे और क्या हो रहा था उस समय, कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें। तो इस समय जो है पूरा अफरा तफरी का माहौल जो है वो
इस समय इस नरवाल के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में अफरा तफरी का माहौल है, लोग ज़बरदस्त परेशानी में हैं और जितने भी कारोबारी यहाँ पर हैं, देखिए आप देख सकते हैं गाड़ियाँ निकाली जा रही हैं और ये सब कुछ पुलिस के कहने पर किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्लास्ट हुआ है और यहाँ पर ये जो लोग कुछ काम करने वाले, इनसे बात करेंगे। आप यहीं पे काम करते हैं, सुबह क्या हुआ, कितने बजे हुआ और क्या हुआ? सर ये कोई आधे घंटे पहले की बात है। हाँ। अच्छे भले काम कर रहे थे, हम भी इधर लगे थे गाड़ियों को ऊपर के सामने, पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से ही कोई धमाका हुआ। धमाके की आवाज काफी बहुत भयानक थी, वो ऐसे लग रहा था कि ब्लास्टिंग हुआ ना, वो अच्छा। वो प्रॉब्लम थी। कितने धमाकों की आवाज सुनी आप? सर फिलहाल तो दो ही हुए, दो धमाकों की आवाज। एक कोई 10 मिनट पहले हुआ, एक 10 मिनट के बाद हुआ सर। अच्छा, पहले 10 मिनट पहले एक धमाका हुआ, 10 मिनट के बाद दूसरा धमाका हुआ, तो आपने देखा कितने लोग जख्मी हुए, क्या हुआ? सर ये कोई 5 लोग जख्मी हैं, जो एक मेरा ही फ्रेंड है, वो मेरे साथ ही, वो उसका नाम ऐसे राजू बोलते हैं। हाँ। वो डेंटिंग का काम करता है, उसको भी काफी ज्यादा चोट आई है, उसके साथ 3-4 लड़के और हैं, उनको भी चोटें आई हैं। हाँ। तो उसके बाद फौरन पुलिस मौके पर पहुंची या आप लोगों ने ही उन्हें अस्पताल भेज दिया? सर वो मौके में पुलिस भी आ गई, मौके में हमारी अपनी गाड़ी से उनको ले गए चले। अच्छा। हाँ जी, तो उनकी जिस समय आपने उनको गाड़ी में डाला, स्थिति कैसी थी उनकी? बहुत बुरी हालत थी सर। अच्छा, तो ये जो राजू की आप बात कर रहे हैं, ये कहाँ से आता है लड़का, कुछ पता? उस्ताद मोहल्ले से है। अच्छा। मैं भी उस्ताद मोहल्ले का हूँ, हम साथ ही में काम करते हैं, वो डेंटर है, मैं पेंटर हूँ। वो डेंटिंग की गाड़ी का पकड़ता है तो हम उसकी गाड़ी पेंट करके दे देते हैं। अच्छा, परिवार में कौन है और राजू के? सर एक भाई है, एक भाई की पहले डेथ हो चुकी है, एक मदर है, एक पापा है उनके, बस सर यही। और उसके अलावा आपको कुछ पता नहीं चला, सिर्फ ये ऊपर वाले इलाके में? हम सर यहाँ चौक में ही काम कर रहे थे। हाँ। अभी भी हमारे पास गाड़ी लगी हुई है, ये हमारी गाड़ी लगी है काम करने के लिए। अच्छा, कुछ पता ही नहीं चला सर, कुछ घंटों के बाद ऐसी आवाज़ आई, हम खुद परेशान हो गए कि क्या हुआ, हम भी भागने की कोशिश कर रहे थे सर। अच्छा। हाँ, तो सबको अपनी जान प्यारी होती है। तो उसके बाद अब इन्होंने आपको क्या कहा कि अब आप फिलहाल अपना ट्रक यार्ड, सारी दुकानें बंद कीजिए और यहाँ से चले जाइए? बिल्कुल बिल्कुल सर, बंद हो गई, अब ये सर्च ऑपरेशन करेंगे कोई, बस और कुछ नहीं। अच्छा, और कोई बम को ब्लास्ट वूस्ट ना हो, इसी वजह से वो उन्होंने बोला खाली कर दो ये दुकानें शिकाने, पहले सर्च होगा फिर काम शाम फिर होगा आगे। अच्छा, पूरे एरिया को पहले सर्च किया जाएगा, उसके बाद आप काम कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे सर हर किसी को अपनी जान प्यारी है। क्या अच्छा ये कोई पता चला आपको कि किसी कोई गाड़ी रखी थी वहाँ पर, जिस गाड़ी में धमाका हुआ? ये कुछ समझ नहीं लगी क्या हुआ क्या नहीं, आगे भी इधर टंकी शंकी फटती रहती है, डेंटर काम करते हैं, टंकी शंकी आम बात है, वो ऊपर हवा में जाएंगी वो उड़ जाएंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। ये पहली बार ऐसा नुकसान देखा है कि ऐसा गाड़ी में कुछ हुआ। तो आपने सुन लिया कि ये यहाँ पर मौजूद थे और जो बाकी 4-5 लोग और हैं, उनमें से किसी के बारे में कुछ पता कौन क्या है? वो भी यहाँ ही काम करते हैं, लोकल लड़के हैं, कोई कासिम नगर से है, कोई बेचारा गाँव से आता है, सभी यहाँ के लोकल भाई हैं अपने, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन बेचारों को खाम ट्रस्टी उनके साथ भी थी, ये हमें खुद नहीं पता चला क्या हुआ क्या नहीं। तो आपने सुन लिया कि 6 लोग इसमें जख्मी हुए हैं, एक राजू है डेंटर है वो भी यहाँ पर जख्मी हुआ है, इनका दोस्त है उस्ताद मल्ले का रहने वाला है, उसे जो है यहाँ से शिफ्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू कर दिया गया है। धमाके दो हुए हैं, दो धमाकों में 6 लोग जख्मी हुए हैं, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन गंभीर सवाल जो है सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर ये सारे मामले खड़े करते हैं। क्या आतंकियों का निशाना अब जम्मू है? जो हादसे हो रहे हैं वो हादसे साफ तौर पर इस ओर इशारा करते हैं कि आतंकियों के मंसूबे जम्मू को लेकर ठीक नहीं, और दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा ने पुलिस को इतना ज्यादा व्यस्त कर रखा है कि पुलिस सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ इसी बात की चिंता कर रही है कि भारत जोड़ो यात्रा सुरक्षित जो है जम्मू संभाग से कश्मीर संभाग में एंटर करे, और दूसरी तरफ 26 जनवरी आने वाली है, उसको लेकर भी आप जानते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जम्मू कश्मीर में और ज्यादा कड़ी करनी पड़ती है। लेकिन राजौरी और पुंछ के बाद क्या आतंकियों के निशाने पर जम्मू है, ये बड़ा सवाल है। कुछ और अगर घटनाक्रम यहां पर होता है आप तक जरूर पहुंचाएंगे।